वेलकम होगा जी दोस्तों जी जेदी मलक लाइव होगा जी हाफिज जवेद छोटा डवान जी जनाब फैसलाबाद तो उन्होंने घर वाले जुड़िया दे पुत्रा दा मैं शौक करवाऊंगा जड़े उन्होंने बड़ा जरा ना माशाल्लाह इतने नाम कमाया जी उन्होंने मदीना शरीफ वाले कबूतर हो गए सेबे वाले फैसलाबाद के अच्छा उन्होंने भी यही है सेबे वालों के हवाले जी हाँ जी फिर उस तो बाद आ गए जी गोल्डन हाफ साहब को बहुत नायाब तो बहुत लाजवाब कबूतर एक पैन है क्या बात है माशाल्लाह क्या बात दोस्तों अज का शौक जोड़ा ना तुम्हें बड़ा मजा आएगा मैं चाहना कि तुम मैं तीन या चार जोड़े दिखाने ने हाफिज साहब को ज्यादा टाइम नहीं है अज क्योंकि साढ़े कबूतर जो उपर निकलते पे ने असी बिल्कुल एक तो वाजिया दो दरख थोड़ा टॉप देते तो मैं चाहना कि तुम घर का शौक भी करवा देव तो जरा चलो जोड़ा के शौक के दूसरा भी सिलसिला चलता रहेगा जी मेरे नाल जी माशाल्लाह दोस्तों का सिलसिला एक जुड़ गया जी राशिद भाई साउथ अफ्रीका तो जी राशिद भाई वेलकम होगा जी लो जी अस आगाज कर दिया जी अपना जी अच्छा हाफिज साहब एक तो इधर इधर जबो इधर जबो थोड़ा कुछ हाफिज साहब की हाल हाफिज साहब मदीना शरीफ वाले का बड़ा जिक्र होंगे जी जो आई ना कबूतर का तो उड़ते परवादा के हवाले देखा जाए तो मजबूती के हवाले वापसी के हवाले एक तो ना उन्होंने बड़ा खूबसूरत लग गया मदीना शरीफ वाले है जी बाकी तो गल्ला सारिया बाद चाहिए ना अच्छा उन्होंने ट्रैक रिकॉर्ड भी देखा जाए तो बहुत शानदार है तेरे को सीबी वाले जो सीबी वाले जो ठीक हो गया हाजी मजीद साहब को हरी साहब के मुतलक दोस्तों ने मैं आगाह करता चला कि जो हाफिज साहब बड़े अच्छे दोस्तों शुमार होंगे ने उन्होंने मेरा ख्याल सत्त के अठ दफा जी अपना हाफिज साहब के मुसलसल चैंपियन है अठ या नौ दफा मुसलसल जेट चैंपियन है जी और ए बड़ा एजाज है जी मदीना शरीफ का सख्त गर्मी बहुत बहुत सख्त गर्मी भी है तो दोस्तों मैं फिर नाल फिर गल करा अच्छा हाफिज साहब बाप अंडे सऊदी अरब मदीना शरीफ वाले कबूतर का जो वादा भी किया दोस्तों ने कहा शौक भी करवावे कबूतर भी तुम्हें रहने दो मैं आप करूं देखो जी एदी अखा जनाब इना दे रिंग देखो जी ते इना दा स्ट्रक्चर देखो सब दाना दा नाम है इहदे बाप नाल असीं घर दी पट्ठी लगाई अपने अच्छा हाफिज साहब इना दे पल्ले दिखाओ ए इन्ने अच्छे उड़दे आ फर्ज कीता थोड़ा हाफिज साहब नीचे रखो तुसीं आप इन आप रखा बस ए दोस्तो आ देखो जी रा पूरा पल्ला जी मदीना शरीफ वाले कबूतर दा शौक करदे पिया जी बेपनाह खूबसूरत और बहुत अच्छे परवाजी और अकलां दे बादशाह अच्छा हाफिज साहब ये जड़ा ना इन्हां दा रंग जड़ा चलो पंजे दिखाने लो दोस्तों खुश्क रंगीन पंजा जी हाँ बिल्कुल जी देख लो जी सारा कुछ हाफिज साहब इनू सीधा करो मैं इन्हां दा पूरा दिखाना रंग हाँ बिल्कुल ठीक हो गया लो जी दोस्तों जड़ा ना असल कलर है जी मदीना शरीफ वाले सीबीआई सर सॉरी सीबीआई भी फैसलाबाद सीबीआई कबूतर बड़े मशहूर सी शेख सीबीआई हां जी चंद दोस्तों को होने बड़े रिकॉर्ड ही अफसर कबूतर उड़े ने फैसलाबाद के ठीक हो गया मगर चीन ने बेसिकली नीले कमगरा जो बने हुए सीबीआई कबूतर ठीक हो गया जी लो दोस्तों सेबे वाले कबूतर हाफिज साहब के जो शौक करते पे जी इस टाइम जी तुम मज़ा आया होगा जी अपने कमेंटा के नाल तुसी आधार कर सकते हो जी मैं तुम लो जी देखो जरा पूरा यह स्ट्रक्चर भी देखो जी खलो हों जी खानदानी
ਤਿੰਨੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹੈ, ਤਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਇਕੱਠੇ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਆ ਤਿੰਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੇ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਧੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਂ ਦੀ ਦਿਖਾ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਮਾਂ ਦਿਖਾ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਓ ਅੰਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਪੱਠੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਜੀ। ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਡੈਡੀ ਕਬੂਤਰ ਆ। ਅੱਛਾ, ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਡੈਡੀ ਹੈ? ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ, ਰੱਬ ਨੇ ਜੋੜਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਡੈਡੀ ਆਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਨਾਲ ਵਰਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਕੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਲੈਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਹਾਲੇ ਜੀ। ਮਾਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਵੱਡੀ ਮਾਦੀ, ਮਾਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਟੈਡੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮਾਂ ਮਦੀਨ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਠਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ 26 ਨੰਬਰ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਂ ਤੇ ਆ ਬਾਪ। ਇਹ ਆ ਆ ਮਦੀਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਆਂਡੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਚ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਹ ਆ ਮਦੀਨ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜੇ ਆਂਡੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ। ਇਹ ਆਪੇ ਸ਼ੌਕ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਇਹਦੇ ਪੁੱਤਾਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਸ਼ੌਕ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਅਸਲ ਇਹਦਾ ਬਾਪ ਇਹ ਵਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋਗਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇਖੋ ਰਾਜੀ। ਹਮ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗੀਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਮੇਰੇ 8 ਨੰਬਰ ਕਬੂਤਰ ਆ, ਡੈਡੀ ਦੇ ਗੋਲਡਨ ਪੂਰਾ ਪਰ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਮੇਰੇ ਕਰੰਟ ਕਬੂਤਰ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਚ, ਮੇਰੇ ਰੋੜੇ ਕਬੂਤਰ ਕਰੰਟ। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਹਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰੰਟ ਜੀ। ਇਹ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ 8 ਨੰਬਰ ਕਰੰਟ, ਗੋਲਡਨ ਡੈਡੀਆਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਸ। ਅੱਛਾ, ਗੋਲਡਨ ਦੇ ਡੈਡੀਆਂ ਦਾ। ਹਫ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਇੱਕ ਗੋਲਡਨ ਕਬੂਤਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੂਰੇ ਕੁੰਦੇ ਜੀ ਕਰੰਟ ਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਕਰੰਟ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, 2015-16 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਬੂਤਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪਰਵਾਦਾਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਘਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹਫਜ਼ਾ। ਹਫਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਟੈਡੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ, ਟੈਡੀ ਤੇ ਗੋਲਡਨ, ਟੈਡੀ ਤੇ ਗੋਲਡਨ ਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਹਫਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਸ ਉੱਥੇ। ਲਓ ਜੀ ਜਨਾਬ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਰੰਗ ਰੂਪ ਹੀ ਅਲੱਗ ਆ ਜੀ। ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਅੱਛਾ ਹਫ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਟੈਡੀ ਗੋਲਡਨ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਸੀ ਦੋ ਸਾਹ ਜੀ ਮਹਿਬੂਬ, ਹਾਂਜੀ ਲਏ ਸੀ ਕਬੂਤਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਫ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਬਰਕਤ ਪਾਈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਬਣਾਤਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਚ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕਬੂਤਰ ਸੀ ਉਹ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਬਰਕਤ ਹੀ ਐਸੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਰਨ ਲਗਾਇਆ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ ਹਫ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਸਾਰੇ, ਹਾਂਜੀ ਆਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਡੀ ਤੇ ਗੋਲਡਨ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ, ਟੈਡੀ ਗੋਲਡਨ ਦਾ ਮੇਲ ਦੇਖ ਲਓ ਨਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਜਿੱਦੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਹੀ ਆ ਵਿੱਚੋਂ। ਆਪਸ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਸ਼ੌਕ ਰਹੀ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਕੁੰਦਾ ਕੈਸਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਪਰ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਸੇ ਲਾਜਵਾਬ ਆ ਜੀ, ਵੱਡੇ ਪਰ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ, ਕੈਸੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਾਂ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਨਾ ਬਹੁਤੇ ਚੌੜੇ ਨੇ ਔਰ ਨਾ ਬਹੁਤੇ ਬਰੀਕ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਹਫਤ ਸਾਹਿਬ ਆ ਤੇ ਨਾ ਥੱਕਣ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਪੀਡ ਕਬੂਤਰ ਨੇ। ਹਫਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਮੈਂ ਥਾਵਾਂ ਇਹਦਾ ਭਲਾ ਕੈਸੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਲੱਗਦਾ। ਲਓ ਜੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹਫਤ ਜਵੇ ਡਾਂ ਦਾ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਟੈਡੀ ਗੋਲਡਨ ਦਾ ਕਰਾਸ, ਲੇਕਿਨ ਟੈਡੀ ਗੋਲਡਨ ਨੂੰ ਹਫਤ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਜੀ। ਹਫਤ ਸਾਹਿਬ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕਰੰਟ ਕਬੂਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਾਂ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਕਰੰਟ। ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜਾ ਪਰਾਂ ਹੋਇਆ ਹਫਜ਼ਾ, ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ ਲਓ ਜੀ ਜਨਾਬ, ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਰਮੀਲੇ ਦੁਮੜ ਵਾਲੀ ਮਾਦੀ, ਦੁਮੜ ਵਾਲੀ ਮਾਦੀ ਤੇ ਸ਼ਰਮੀਲੇ ਘਰ ਦਾ ਪੱਠਾ ਸ਼ਰਮੀਲਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਦਾਂ ਇਨਸਾਨ ਟੜੀਆਂ ਦੇ ਵਰਗਾ ਰੰਗ ਲਿਆ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਬਾਪ ਮੇਰੇ ਕੋ ਸੀਤਾ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੀਟ ਚ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸਿੱਧੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੀ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ, ਬਹੁਤ ਹਾਂ ਸਿੱਧੂ ਪੁਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸਾਸ਼ਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ।
दोस्तों जिन्हें भी है तुम कबूतर दिखाए जा रहे हैं ये उस्ताद मोहतरम ने अपने घर च मेल मूल देकर देखो आर्टिस्ट ना तो हर उस्ताद करता है किसी उस्ताद के घर के कबूतर नहीं उन्होंने भी इदा ही मतलब लाए दिते सारे बनाए ये कबूतर देखो मैं जो तुम डैडी गोल्डन क्रॉस है तुम कह नहीं सकते क्या डैडी गोल्डन क्रॉस है ठीक है ना आ देखो डैडी गोल्डन क्रॉस है ना जरा मैं चाचा दिखा हाँ जी ला लो चाचा ला लो हाँ जी हाँ जी क्या अभी अठ नंबर कबूतर अभी रिश्तेदार नहीं है ठीक हो गया ठीक हो गया दोस्तों हाफ साहब को बिल्कुल मुनासिब जे कबूतर है यानी कि ज्यादा नहीं रखते ज्यादा पसंद ही नहीं करते मतलब उन्होंने इंटरटेन करना बहुत मुश्किल काम है देखो ना मैं तुम्हें जो कबूतर दिखा रहा है जोड़े वाले इन्होंने कबूतर ने जी इन्होंने पड़ी साइड से मैं तुम्हें काबकों भी उन्होंने दिखाना जी हमें हाफ साहब एक जरा ना मैं गोल्डन का कबूतर का भी शौक करवाना जी हाँ जी हाँ जी हाँ ठीक हो गया जी ठीक हो गया ठीक हो गया ठीक हो गया जी आवा जवेद जनाब घर आए जोड़िया के कबूतर का शौक हो रहा जी जबरदस्त माशाला जी सिलसिला जारी है जी दोस्त साढ़े रल चुके हैं मेरे 11 नंबर कबूतर है जी लो जी दोस्तों यार पूरा कुंदा देखो मैं तुम्हें दिखा रहा जी बगल तो लैके आ बगल का पर देख लो तो आखिरी पर रहा देखो अब सब खोलो दोस्त बहुत इंजॉय कर रहे पे थोड़े कबूतर का जी माशाल्लाह जी क्या बात है जी क्या बात है जी अब सब कैसी है परवादा ने इन्हों माशाल्लाह जी मेरे को जेड़ शाम बैठे रहे अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठीक हो गया बताते खुद मेरे को पेट्रोल पंप तोड़े ठीक हो गया ठीक है तीन भरा सी फिर मेरा मां प्यो प्यो मर गया मां भी मर गई वायरस आया फिर बचे दो तीन भरा सी जी ठीक है लो जी दोस्तों इतने पूरी रोशनी पै गई बहुत कराना जी हाँ जी देखो तुम रिंग उन्हें दस दिया जी कि मजबूत रिंग है जी बहुत अच्छे जी पता बहने ही बहने जिनी मर्जी गर्मी है जिनी मर्जी गर्मी है वाकई अच्छा हूँ चाली नंबर क्या है अपना 11 नंबर 11 नंबर जी ठीक होगा जी लो जी अरे भी देखो जी हाँ जी 11 नंबर की कड़ी भी पई हुई जी जोड़े आप साहब के 11 नंबर जी अच्छा दोस्तों जिन्हें भी बर्ड जो ने आप साहब दिखा रहे घर दे इन्होंने मेल मुल करके सारा जो क्या बात है जी मदीना शरीफ वाली बढ़ी है बच्चा लाभ रहा है अच्छा जी ठीक होगा जी आ जी माशाल्लाह 11 बाद चुंदे रे जी मदीना शरीफ वाले जी हां जी ए आ तुम फिर मदीना शरीफ वाले का शौक करवावा जी आ देखो जी ए ऐ खलोता जी क्या बात है जी माशाल्लाह आ वाह जी वाह सुभान ओए सुभान लो जी दोस्तों एक दोस्तों की फरमाइश हो रहा है कुछ बच्चे निकले भी हुए ने माशाल्लाह कुछ लापरे भी हुए ने कुछ ठीक हो गया ठीक हो गया माशाल्लाह माशाल्लाह लो दोस्तों फिर एक दफा मदीना शरीफ वाले कबूतर का मैं तुम शौक करवावा तो नाल जरा दूसरा भी जी 11 नंबर का ए 11 नंबर है जी ते ऐ 11 नंबर है जी ते ए ऐ मदीना शरीफ वाला जी ए ऐ वाला ठीक होगा जी क्या बात है जी जबरदस्त है जी बहुत ही आला जी माशाल्लाह थोड़े जे कलेक्टर बर्ड है जी कोई ज्यादा बर्ड नहीं बस मुनासिब जे रखे है जी दोस्तों आप तुसी देख ले कि किन्ने की बर्ड है जी आ टोटल सारे देख लो ऐ दूसरे दोवां खुड्डा जी देख लो किन्ने बर्ड जी बहुत होणगे ते 15 दोवां जी 8 नंबर कबूतर गोल्डन जरा तुसी कहंदे गोल्डन कि हां जी आप साहब इधर इधर लाओ हां जी लाओ जी हां जी ਐ ਜੀ ਗੋਲਡਨ ਆ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖ ਲਓ ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਮੇਰਾ 8 ਨੰਬਰ ਕਬੂਤਰ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 8 ਨੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗ੍ਰਾਂਟਨਾ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ
लेकिन रंग रूप ही हाफ साहब मैं गोल्डन कबूतर नहीं देखा जिन्ना कबूतर फूका क्या बात लो जी दोस्तों पूरा कुंदा जी माशाल्लाह जबरदस्त है जी क्या बात जोड़े है चार पांच जाना माशाल्लाह लैन दिया अच्छा 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 मेनू गोल्डन हां जी एक फरमाइशी है जी लो जी एक मोती वाला कबूतर भी देखो हफ साहब का जी एरा चपट्ठा हफ साहब ने बल्कि दो मिनट दिते दे जी एक पट्ठी एक पट्ठा जी गोल्डन ठीक होगा जी ए माधी लगी जे हफ साहब बच्चा कित हफ साहब बच्चा देखना छोटा आ फसया तो नहीं कि हफ साहब बच्चा फसया तो नहीं छोटा जिन्हें कबूतर देखता उन्होंने रिंग बड़े मजबूत घर मेहनत की अपना शौक है लो जी शर्मिले जनाब करंट गोल्डन कह लो एक तरह का है हाँ जी क्या बात है जी माशाल्लाह पानी नहीं खोलन दे रहा जी क्या बात देखो दोस्तों कटे हफ साहब ने जिन्हें भी जोड़े ना सारे बाहर बच्चे आते हाँ जी गवाए कबूतरा जी सही हो गया ठीक हो गया बहुत आना जी तो दोस्तों यार पूरा व्यू देखो जी इस कबूतर का जी तुम मजा आएगा जी शर्मिले तो करंट का जी शर्मिलिया का गोल्डन का मेल जी क्या बात है माशाल्लाह जी प्यारे हफ जब छोटा डॉन की छत तो लाइव है जी मौसम भी कुछ खराब हो रहा जी आ देखो जी तुम इस टाइम हफ्ता भापा वापस भी मुड़ना जी लो जी आ छत मंदिर है जी टोटल जी ए दोस्तों जो मैं दो खुडे दिखाया जी ए खुडे से जी ठीक होगा जी हाँ मैं देखता जी आ दो खुडे च पंद्रह पंद्रह भी कबूतर हो गए जी ए जोड़े जी जी सारे टोटल जी लो जी दोस्तों शाकार कबूतर जो मैं तुम्हें वादा किया जी कि एक कबूतर इदा के मैं कबूतर घट देखे है जी लो जी हफ साहब एक तो मैं सब तो पहला देखागा इन्हों दिया अखा ठीक है जी वड़ा गोल्डन जी हफ साहब थोड़ा नीचे करो तर प्लीज इधर घूमे थोड़े बस ठीक हो गया हाय हाय क्या बात है जी दोस्तों देख लो जी कबूतर के रिंग देखो तुम किन्ने मजबूत है बल्कि एक नहीं दो तीन चार क्या बात है आज हमारे पल्ले भी दिखाओ जी क्या बात है लो जी यार गोल्डन दे मैं जो तुम्हें क्या बड़ा ही शाहकार कबूतर है जी जरा मैं बड़ा पसंद आया लोगों को बड़े बड़े अच्छे कबूतर होंगे लेकिन अपनी मिसाल आप और जेड़ा भी बच्चा रहा निकलता है वो कम हफ्ता पढ़ाते नहीं मेल पाते मेल पा के तो फिर देखो जो खुश पंजे जी हफ साहब कि 11 नंबर लाया जी सतारा नंबर सतारा नंबर कहते जी देखो जो पंजे जी
अब साहब पानी मुँह चो निकलना पाया जानवर का जी बेचारा जरा ना इन्हों रखो तो मैं इन्हू देखदा आप इतने इतने दिखाना एक दोबारा लो जी दोस्तों मैं पसाना एक मिनट छोड़ो लो जी है जी गोल्डन कबूतर जो शौक किया हूं जी पास ना दोस्तों दाना पानी किया हूँ तो इस करके ना थोड़ा गुस्सा भी कटते पे तो नाले ना पानी ज्यादा पोटा भरी हुई ना माश लो जी आ गोल्डन सी वड्डा जी बड़ा ही लाजवाब कबूतरा माशा तो ठीक हो गया बस ठीक हो लो जी है जी जी मदीना शरीफ वाले जी अच्छा साहब इन्होंने बच्चे ए लगता जिम्मे अली वाले पद भी होंगे आहो मैं वैसे लगता मैं क्या लो जी है जी मदीना शरीफ वाला जोड़ा जी जोड़े के हाफज साहब के ठीक हो गया लो जी आ जोड़ा ऐसा लगा क्या बात है माशा वालेकुम सलाम लो जी हाफज साहब के बुजुर्ग माशा आए जी कैसी तबीयत है जी अज दवा की अच्छा अल्लाह पाक कर करे अल्लाह पाक दे काम आ जी अच्छा जी हाफज निकले एक है भी जोड़ा देखो रंग रूप सारा एक है सेम ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੰਗ ਰੂਪ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਆਹ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂਜੀ ਆ ਕਰਦੀ ਪੱਠੀ ਆ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਧੀ ਆ ਆਮ ਦੀ ਨੋਇਆ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਨਾ ਅਲੀ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਕੁਝ ਪਏ ਸਨ ਕੋ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਜਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਜੇ ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਕੋ ਕਬੂਤਰ ਪਿਆ ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਪੱਠਾ ਵੱਡਾ ਆ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਾ ਦਿਖਾਣ ਵਾਲੀ ਵਾਲਾ ਕੋ ਹਾਂ ਦਿਖਾਓ ਹਾਂ ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਵੀ जी दोस्त मेरे नाल जुड़े हुए हैं जी माशाल्लाह वेलकम होगा जी मैं दोस्त सारे नो अपडेट करता चला जी हाफज जवेद साहब दे आखिरी बंदी नाली बह रही होनी पट्ठे भी हुई सी हां जी हां जी हाफज जवेद साहब दे जनाब घर वाले कबूतरों दा शौक तुसी करदे पे हो जी राणा अफजल साहब जी वेलकम होगा जी मलिक वकास साहब जी मोहम्मद शबीर साहब हो गया जी एहतशाम रसूल वेलकम होगा जनाब जेडे दोस्त नाल रले ने मेरे नाल जी वेलकम करता साहब दोस्तों जिन्हों का नाम नहीं लिया सकया उन्होंने भी जनाब माजरत है लेकिन यह जी भाई अली वाला कबूतर सी कहंदे मदीना शरीफ वाला ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਕਬੂਤਰ ਆ ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਮਦੀਨੇ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਲੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੀ ਤੀਰ ਆਈ ਉਹ ਵੱਡੇ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਅਲੀ ਆਲੀ ਤੀਰ ਨਿਕਲੀ ਨਾ ਹੁਣ ਨਿਕਲੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੂੰ ਬੜਾ ਵਾਧੂ ਕਬੂਤਰ ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਾ ਲੈ ਅੱਖਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਇਹ ਦਿਖਾਓ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਓ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਆ ਸਾਬਰ ਕੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆ ਸਾਲਿਆ ਦੱਸ जी दोस्तों अच्छा राजा जहां वेलकम होगा जी राजा साहब की हाल है ठीक है जी फैसल कफूर होगा जी वेलकम करते हैं जनाब तुम जी जी जुबैर अहमद मलिक साहब जी वेलकम हो गया जी जुबैर भाई ठीक ठाक हो जी खावर खोखर साहब वेलकम जी जनाब खावर जी की हाल चाल है कसूर तो जी राणा जी शहबाज भाई जी राजा साहब की हाल चाल है ठीक ठाक हो जी तबीयत कैसी है जी राणा जी सुबहान इसाक जी वेलकम हो गया जी की हाल चाल है दोस्तों जी मोहसन रजा जी वेलकम हो गया जी जी मोहसन रजा वेलकम जी वेलकम जनाब बहुत शुक्रिया तुहाडा जिहड़ा तुसी नाल रले हो जी खाली जी दोस्तों मदीने शरीफ आले भी नाम छोटा थोड़ी रौनक लाई सी लो जी आफज साहब वाले साहब दवावां कर दें जो पोतरा बारी या कोई टूर्नामेंट खेलना होंगे जी जो पिछले पास आए ना उदो माशाल्लाह चेयरमैन जो बने ने अपने चैंपियन और कबूतर बैठते बैठते कहते हैं कि आफज साहब दवा करो गल करते मां बाप तो वड्डा दुनिया दे पीर कोई नहीं कोई नहीं है जी इदा ही है इदा दवा करानी है ते मां बाप दी दवा इदा ही है जी जदों मेरे वालदा ने दवा की थी मैं कभी हरिया नहीं मगर कहते शौक छड्ड दियो ते बच्चे काम करो छड्ड देना शौक
ठीक हो गया माशाल्लाह अल्लाह पाक रहमत कर दे शौक छड़ी देना थोड़ा कर ले मां-बाप दी मान लिया अल्लाह पाक रे दुआवां कबूल करदा अल्लाह पाक नु सेहत दे दे सारे दे मां-बाप नु भी साड्यां नु भी हां जी सारे दी जिंदगी दे मां-बाप सारे नहीं बाहर जी इन्ना नाल बाहर जी इसे तरह साडे दोस्त भी ने साडे बुजुर्ग भी ने इसे ताडा ते प्यार भी ने साडे वाला साहब भी ने ताडा ते प्यार ही बहुत आ लोकी आ देखे ना आज मुनसफा आ की कह रहा सगा चाचे दे हां देखो जी मेनू गिफ्ट आया सही साहब वालों ए च शर्मिला क्रॉस भी आ ਸਹੀਦ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਾਲਦਾ ਸਹੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਦੋ ਦਿਨ ਜੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਹੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਪੱਟੀ ਇਹ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਪਲੱਸ ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰਾ ਕਰ ਕਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਮਰਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਲਾ ਇਹ ਪਿਆ ਬੇਸਿਕ ਪੁਰਾਣਾ ਖਾਸਾ ਬਾਦਲ ਕਬੂਤਰ ਖਾਸਾ ਬਾਦਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਜਵਾਬ ਇਹ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸਹੀਦ ਕੋ ਇਹਨੂੰ ਖੇਡ ਪਿਆ ਗਈ ਇਹ ਸਹੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਰ ਦਾ ਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਵੀ ਆ ਸਾਡੀ ਉਹ ਜਾਨ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਸਭ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਸਭ ਸਭ ਹੀ ਰਾਜਨ ਮਗਰ ਚਾਹ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਦੇ ਯਾਦ ਕਰੂੰਗਾ ਕਬੂਤਰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਮੈਂ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਜੇਠ ਜੇਠ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਸਹੀ ਆ ਜੇਠ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਨ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਉੜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਮਦੀਨੇ ਲੋੜਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਛਾਤੇ ਦੇ ਆਇਆ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕਹੋਗੇ ਇਹ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਪਾਰਾ ਦੇਖੋ ਆ ਗਿਆ हेलो जनाब जी जी शुक्रिया जी जी दोस्तों दोस्त ना रहे जी राशिद भाई साउथ अफ्रीका तो साडे नाल सीगा जी दोस्तों ने शौक किया जी वेलकम जिन्हों का दोस्तों का जिक्र किया गया उन्हों का भी जिन्होंने जिक्र नहीं हो सकया उन्होंने जनाब सलाम है जी हमेशा खुश रहो जी शादाबाद रहो दोस्तों का वादा सी अज गोल्डन कबूतर दिखाने का तो मदनी शरीफ वाले कबूतरों का शौक कराने का जी हो गया जी लो जी इस उम्मीद नाल के इंशाल्लाह ताला फिर दोबारा जल्दी छत मुलाकात होगी जी अज बुजुर्गों नाल जी लो जी अस्सलाम वालेकुम जी।